हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। इससे पहले आप फार्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 20। तो इन दिस क्वेश्चन डेटा गिवन इज JK Limited is currently selling 90,000 units of a product at the rate of ₹150 per unit. At the current level of production, the cost per unit is 132 and variable cost ratio is 80% of sale. तो आपको सेल के यूनिट्स लिए हैं, सेलिंग प्राइस लिया है और कॉस्ट पर यूनिट भी है टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट भी आपको दिया 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। करंटली ऑल इट्स सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। कंपनीज एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आपको दिए हैं 2x20 -60। जनरली 30% कस्टमर्स अवेल डिस्काउंट फैसिलिटी एंड बैक डेट्स आर 2%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिसीवेबल इज 12%। कंपनी कंसीडरिंग ए प्रपोजल टू चेंज क्रेडिट टर्म्स टू 3x20 -60। वो रिक्वायर्ड रिटर्न हमारी 12% है। अब कंपनी अपनी एक नई पॉलिसी बना रही है बिकी की 3x20 -60। इसमें हमने डिस्काउंट की परसेंटेज इंक्रीज कर दी है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी 30%, इंक्रीज इन एवरेज स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज इन प्राइसिंग फिक्स कॉस्ट आल्सो बाय 10%। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कस्टमर वेलिंग डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट वेल कर रहे हैं कस्टमर, वो 100% इंक्रीज हो जाएंगे और बैक डेट्स आपके हो जाएंगे 1.5%। सो इवेल्युएट योर प्रपोजल एंड गिव योर रिकमेंडेशन वेदर कंपनी शुड एक्सेप्ट योर प्रपोजल। टेक 360 डेज इन अ ईयर एंड इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इज टेकन एट टोटल कॉस्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर करनी है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस सी इवेल्युएशन, विच मीन्स आपके पास एक प्राइसिंग पॉलिसी है और एक नई पॉलिसी है। लेट अस सी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम शो कर रहे हैं क्रेडिट पॉलिसीज। सो व्हाट इज अवर प्राइसिंग क्रेडिट पॉलिसी एंड व्हाट विल बी न्यू क्रेडिट पॉलिसी। तो इसके एक क्रेडिट टर्म्स आपको मेंशन किए हैं। सबसे पहले क्रेडिट टर्म्स, सो दिस इज गिवन टू बी अवर 2x20 -60। इट मीन्स 2% डिस्काउंट इज अलाउड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 20 डेज। आफ्टर 20 डेज नो डिस्काउंट, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड इज 60। अब इसको हमने चेंज कर दिया है तो इट हैज बिकम 3x20 -60। फिर आप देखो सेल्स के आपके यूनिट्स लिए हैं, सेल्स यूनिट्स दी आर 90,000। फिर आपको मेंशन किया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी पर यूनिट। सेलिंग प्राइस इज गिवन 150, टोटल कॉस्ट है आपकी 132 और वेरिएबल हमें मेंशन किया है 80% ऑफ सेल। इट मीन्स 80% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 120। तो टोटल माइनस वेरिएबल, तो ये कोई डिफरेंस आएगा, ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट, जैसे 12। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको नंबर ऑफ यूनिट्स, ये बन जाएगी प्राइसिंग फिक्स कॉस्ट इन टोटल। फिर आपको मेंशन किया है फर्दर कितने परसेंट कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट। सो दिस इज गिवन टू बी अवर 30% कस्टमर्स आपके डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं एंड व्हाट इज अवर प्राइसिंग टू बैक डेट्स, परसेंटेज ऑफ बैक डेट्स जैसे कि 2%। तो बैक डेट्स कैलकुलेट होते हैं जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स हैं। सो ऑल दी सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। अब देखो नई टर्म्स में क्या है, सेल्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे 30%, तो न्यू सेल्स विल बी प्लस 30%।
It means 30% go 90,000, 27,000 go. So this will be 117,000 units will be sold in a new policy. Fixed cost में आपको mention किया है, आपका increase होगा 10%, और एक आपको interesting term दिए हैं, increase in percentage को customer availing discount, 100% customer आपके increase हो जाएंगे जो discount avail कर रहे हैं. तो 30% का 100% हो गया 30%, तो it means अब ये total हो जाएंगे आपके 60%. और बैगेस आपको दिए हैं 1.5%. तो अब आपको evaluate करने हैं दोनों पॉलिसी को, एंड वी हैव टू सी वेदर न्यू पॉलिसी बेटर और नोट. तो उसके लिए चलो पहले कैलकुलेट कर लेंगे. तो बताइए ओवर एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका पार्टनर है, कितने परसेंट कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, उनका डिस्काउंट पीरियड है 20. तो फर्स्ट केस में है 30%, इनको 20, बैलेंस रह गया 70% कस्टमर, उनका क्रेडिट पीरियड है 60. जिसे कमिंग 6 प्लस 42, 48 डेज, ये आपका गेस में आ जाएगा कलेक्शन पीरियड. सिमिलरली इन सेकेंड पॉलिसी 60% कस्टमर्स हो गए हैं जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, उनका पीरियड है 20 प्लस 40% कस्टमर का पीरियड है आपका 60, जैसे कि 12 प्लस 24, सो दिस विल बी 36 डेज. फिर एक आपको चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट इन गैटर्स, उसके लिए हमें चाहिए पहले कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं. वो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट है आपके 1,000 रुपीज़ 120 पर यूनिट, तो दिस विल बी 90,000 यूनिट्स हैं आपके, इनको 120, जैसे जो 101 लैक्स. फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1,000 को 12 रुपीज, तो किसी के 12 इनको 90,000, तो किसी के 10,80,000. इतनी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 118,80,000. सेकंड केस में अब आपके यूनिट्स हैं 117,000, वेरिएबल कॉस्ट ही 117 इनको 120, जिसे 140,40,000. फिक्स कॉस्ट में हमें मेंशन किया है इट विल इंक्रीज बाय 10%, इट मीन जो प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है इसमें आप ऐड करोगे 10%, तो प्लस 10%, तो 1080 प्लस 10% 11,88,000. सो दिस विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल. अब इसके बेस पर आप अपने डेटर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेके चाहिए हाउ मच इज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, और सिंपली भी सेल कॉस्ट ऑफ सेल इनको ACP. टोटल गेज आपको लेने हैं 360 गेज पर एन. तो फर्स्ट केस में देखिए आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 118,80,000, और क्रेडिट पीरियड है आपका 48 डेज, कलेक्शन पीरियड है ऑन एवरेज बेसिस टोटल 360 डेज, जिसे 118,80,000. सो इनको 48 / 360, जिसे जो कमिंग 15,84,000 इन्वेस्टमेंट इन गैटर से. सेकंड केस में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 152,28,000, एंड कलेक्शन भी रहेगी 36 डिवाइडेड बाई 360, जिसे कमिंग 15,22,800. अब हम कैलकुलेट करते हैं बाकी नेट बेनिफिट ऑफ ईच क्रेडिट पॉलिसी. तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आती हैं सेल्स. उतर सेल्स तो जितने यूनिट्स हैं 1,000 रुपीज़ 150, सेलिंग प्राइस आपको दिया है 150. तो प्राइसिंग केस में हमारी सेल के यूनिट्स हैं 90,000, इनको 150, 135 लाख
नेक्स्ट कर लीजिए आप कॉस्ट ऑफ सेल। देखो कॉस्ट ऑफ सेल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 118,80,000। बैलेंस है प्रॉफिट ऑन सेल, वी कैन से ग्रॉस प्रॉफिट। सो 135 लाख माइनस 118,80,000, दिस इज 16,20,000। सेकेंड केस में देखिए सेल्स आएंगे आपके यूनिट्स हैं 117,000, इनटू 150 इज सेलिंग प्राइस, तो दिस इज कमिंग 175,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल इज 152,28,000। सो प्रॉफिट ऑन सेल इसे 23,22,000। अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैश डिस्काउंट है, बैग डेट्स हैं आपके, सो लेस आपके फर्दर एक्सपेंसिज हैं। सबसे पहले लेते हैं लेटर्स पे को कैश डिस्काउंट। तो प्राइसिंग पॉलिसी में देखिए जो टोटल सेल है उसका 30% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, तो दिस विल बी टोटल सेल 135 लाख। कस्टमर से वेलिंग डिस्काउंट 30% और जो परसेंटेज डिस्काउंट है जिसे कि 2%। सेकेंड केस में आपकी टोटल सेल है 175,50,000। कस्टमर जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं 60% है और उनका रेको डिस्काउंट है 3%। फिर आपको सब्सट्रैक्ट करने हैं बैड डेट्स, तो ये भी हम सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ये हमें लिए थे प्रेजेंट है आपके 2% और जो नए हैं जिसे 1.5%। तो लेटेस्ट मेड कैलकुलेशन ऑन सेल 135 लाख इनकू 30% इनकू 2%, तो जिसे जो 81,000। और जो बैगेस हैं आपके 135 लाख इनकू 2%, तो जिसे जो 2,70,000। और सेकंड पॉलिसी में देखिए सेल्स हैं आपके 175,50,000 इनकू 60% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं इनकू 3%, दिस इज कमिंग 3,15,900। बैगेस हैं आपके 1.5%, टोटल सेल है 175,50,000 इनकू 1.5%, 263,250। और फर्कर आप देखिए आपको टैक्स रेट मेंशन नहीं किया है इसमें। अब आपको लेस करनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गेटर्स एट द रेट ऑफ 12%। सो देन वी हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गेटर्स, सो दिस इज एट द रेट ऑफ 12%। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन गेटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसके ऊपर आप लीजिए 12%, 15,84,000 इंटू 12%, दिस इज कमिंग 1,90,080 रुपीज। सेकेंड केस में इन्वेस्टमेंट है आपकी 15,22,800 इंटू 12%, 182,736। तो बैलेंस अब आपका आ जाएगा इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, ये तीनों फैंसी आपको माइनस कीजिए, बैलेंस है जो नेट बेनिफिट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। जिस पॉलिसी में नेट बेनिफिट आपका हायर होगा दैट विल बी बेटर। तो फर्स्ट केस में है 1620 माइनस 81,000 माइनस 270 माइनस 1,90,080, दिस इज कमिंग 1078,920। और सेकंड केस में 22,000 माइनस 315,900 माइनस 263,250 माइनस 182,736, 1561,114। तो फिर अब देखिए अब नई पॉलिसी में एक पॉइंट आपको और भी मेंशन किया है, गैट ड्यू टू चेंज इन अवर क्रेडिट टर्म्स, सो देयर इज इंक्रीज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन एवरेज क्रेडिटर्स। तो फिर अब देखिए आपको नई पॉलिसी में ये भी मेंशन किया है, ड्यू टू चेंज इन क्रेडिट टर्म्स देयर विल बी इंक्रीज इन एवरेज स्टॉक एंड इंक्रीज इन एवरेज क्रेडिटर्स, तो जिसे कहा कि इंक्रीज यू वर्किंग कैपिटल, तो उसके ऊपर भी हमें अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी, तो वो भी आपको लेस करनी है, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
of additional investment in working capital. So this you can see how much is additional investment in working capital. तो स्टॉक आपकी करंट एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स हमारी हैं करंट लाइब्रेरी के. सो वर्किंग कैपिटल है आपका स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स. सो स्टॉक ही गिवन को भी 4 लाख एंड इंक्रीजिंग क्रेडिटर्स ही गिवन को भी 240. तो मीन्स आपकी जो एडिशनल फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं वर्किंग कैपिटल में 1,60,000, उसके ऊपर भी हमें पोर्शन की कॉस्ट पड़ेगी 12%. तो वो भी आपको डिडक्ट करनी है नई पॉलिसी में. सो ऑन 160 इट विल बी 12% 19,200. सो नाउ यू गेट नेट बेनिफिट ऑफ ईच पॉलिसी. तो किसी के बारे नेट बेनिफिट, तो जिस पॉलिसी में नेट बेनिफिट आपका हायर होगा दैट विल बी बेटर. सो किसी 1560 114 माइनस 19,200 किसी को नहीं 15,40,914. सो गिस हायर इन केस ऑफ सेकेंड पॉलिसी न्यू पॉलिसी. सो गिस विल बी सिलेक्टेड. सो गिस विल बी बेटर. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव नंबर 21. जिसमें देखिए आपको मेंशन किए हैं करंट एनुअल सेल्स ऑफ एसपी लिमिटेड की 360 लाख्स. डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनी से करंट एक्सपेंडिचर रिसीवेबल मैनेजमेंट के टू हाई एंड विद ए व्यू टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर गैर कंसीडरिंग फॉलोइंग टू न्यू अल्टरनेटिव क्रेडिट पॉलिसी. तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो कलेक्शन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने हैं उसके लिए दो पॉलिसी है एक्स एंड वाई. तो उनमें कलेक्शन पीरियड आपको दिया है 1.5 मंथ्स 1 मंथ परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट मीन बैगेस हैं 2% 1% एनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर हमारा रिड्यूस हो रहा है एंड जिसे 12 एंड 20 लैक्स. सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा प्रोजेक्ट की रुपये 150, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 120, क्रेडिट टर्म्स आर 2 मंथ्स एंड परसेंटेज डिफॉल्ट 3%. ये हमें प्राइसिंग देखा गया है, सेलिंग प्राइस है, टोटल कॉस्ट है, क्रेडिट टर्म्स हैं हमारी, कलेक्शन पीरियड की बैड डेट्स हैं, करंट एनुअल कलेक्शन एक्सपेंस इज रुपये 1 लैक्स, रिक्वायर्ड रिटर्न 20%. तो सेल्स आपको दिए रुपीज में 360 लाख, उससे यूनिट्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे. तो पहले बनाते हैं. सो आपको डिटर्मिन करना है विच क्रेडिट पॉलिसी एस बी लिमिटेड शुड यू फॉलो. तो बनाते हैं इसकी कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और देखते हैं डेटा तीनों पॉलिसी का. तो आपको मेंशन किया है क्रेडिट पॉलिसीज. तो वन इज अवर प्राइसिंग पॉलिसी, देन पॉलिसी नंबर एक्स, पॉलिसी नंबर वाई, अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में. तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स के यूनिट्स कितने हैं हमारे. सेल्स यूनिट्स, सेल्स आपको दी हैं 360 लाख, उसको डिवाइड कर दीजिए आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग प्राइस है आपका 150 रुपीज. तो सेल्स में तो देखो कोई चेंज नहीं हो रहा है डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसी में. जैसे 360 लैक्स डिवाइडेड 150, तो जैसे कमिंग 2,40,000 यूनिट्स. देखो ये यूनिट्स आपके ना सेम ही रहेंगे तीनों पॉलिसी में. फिर आपको एक और सेलिंग प्राइस है आपके पास 150, और आपको मेंशन किया है इसमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 120. सो टोटल कॉस्ट जिसे 120, इसमें बैलेंस आपका जीपी आ जाएगा जिसे जो 30 रुपये पर यूनिट. तो कोई वेरिएबल मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है. तो लेकर से तो पहले तीनों पॉलिसी में हम कैलकुलेट कर लेते हैं. बाकी टोटल सेल, सेल जो को सेम है 360 लाख, हेयर आल्सो 360 लैक्स, वाई पॉलिसी आल्सो 360 लैक, देन लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,120. तो जितने यूनिट्स हैं आपके 240, इनको 120, इसी के 288 लैक्स, ये भी आपकी सेम रहेंगी 288.
बैलेंस ही ग्रोस प्रॉफिट, जैसे 360 माइनस 288, 72 लाख, तो हर केस में सेम ही आ रहा है आपका 72 लाख ही जीपी। इसमें सिर्फ आप माइनस कीजिए जो जो एक्सपेंसिज हैं आपके, एक को देखो आपको दिया है कलेक्शन पीरियड, उसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे बाकी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, जन बैड डेट्स हैं, कलेक्शन एक्सपेंसिज हैं। तो लेट अस सब्सट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स आपको दिए हैं, प्रेजेंट हमारे बैड डेट्स हैं जैसे कि 3%, जन पॉलिसी एक्स में आपको मेंशन किए हैं 2%, पॉलिसी वाई में मेंशन किए हैं 1%। तो दिस विल बी ऑन क्रेडिट सेल, तो 360 लैक्स हैं इनटू 3%, यानी कि अवर सेल 360 इनटू 2%, जैसे जो 7,20,000 एंड 1%, 3,60,000। देन वी हैव कलेक्शन एक्सपेंसिज, तो आपके एक कलेक्शन एक्सपेंसिज है प्रेजेंटली 1 लैक्स, देन इट विल बी जैसे कि 12 लैक्स इन पॉलिसी एक्स, एंड देन इट विल बी अवर 20 लैक्स इन पॉलिसी वाई। और कोई टैक्स ही नहीं है, फिर आपको लेस करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन इन डेटर्स। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड रिटर्न मेंशन किया है किसी की 20%, सो एट द रेट ऑफ 20%। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बाकी इन्वेस्टमेंट गेन डेटर्स। इसका देखो फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल इनटू एसीबी। एसीबी आपको देखो मेंशन कर रखा है इसमें मंथ्स में, तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल देखिए आप सभी पॉलिसी में है 281 लाख इनटू कलेक्शन पीरियड की 2 मंथ्स। पॉलिसी एक्स में आपका कलेक्शन पीरियड है जैसे 281 लाख इनटू 1.5 मंथ्स, और पॉलिसी वाई में है हमारा 281 लाख इनकू 1 मंथ। तो लेकिन सी बाकी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 281 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो दिस इन्वेस्टमेंट डिज अवर 24 लाख। और पॉलिसी वाई में है 1.5 मंथ्स के लिए, दिस विल बी 36 लाख। और फर्स्ट पॉलिसी में है आपकी 48 लाख। इसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर एट द रेट ऑफ 20%, सो 48 लाख इनको 20%, तो 9,60,000। जैसे 36 लाख इनको 20%, 7,20,000, एंड 24 लाख इनको 20%, 4,00,000। बैलेंस विल बी अवर नेट बेनिफिट, तो बैलेंस आ जाएगा आपका नेट बेनिफिट। तो जैसे 72 लाख माइनस 10,80,000 माइनस 1 लाख माइनस 9,60,000, 43,60,000। तो सेकंड पॉलिसी में नेट बेनिफिट है आपका 72 लाख माइनस 7,20,000 माइनस 12 माइनस 7,20,000, 45,60,000। एंड इन पॉलिसी नंबर वाई इट इज 72 लाख माइनस 360 माइनस 20 लाख माइनस 4,80,000, 43,60,000। तो जिस पॉलिसी में आपको हाईएस्ट बेनिफिट मिलेगा गैट विल बी बेटर, सो पॉलिसी एक्स इज बेस्ट,
इसके में आपका जो बेनिफिट है वो है हाईएस्ट। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 22, इसमें ये आपको मेंशन किया गया था, एजी लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ इंटेग्रेटेड चिप्स, प्रेजेंटली कंपनी फॉलो ये पॉलिसी ऑल कैश सेल एंड नो क्रेडिट, विद इंक्रीजिंग कंपिटेटिव एनवायरमेंट कंपनी सेल्स आर डिक्लाइनिंग कंसिस्टेंटली, करंट सेल्स ऑफ कंपनी आर 75 लाख एंड टोटल कॉस्ट इज 54 लाख। फाइनेंस मैनेजर है सुजेस्टेड टू क्रेडिट पॉलिसी को बूस्ट कंपनी सेल्स, कंपनी डिसाइडेड टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ ऑल कैश सेल एंड नो क्रेडिट फॉर एग्जिस्टिंग सेल एंड ओनली एग्जिस्टिंग सेल विल बी मेड ऑन क्रेडिट, क्योंकि प्रेजेंट सेल चल रही है वो कैश पे रखेंगे हम, सिर्फ एग्जिस्टिंग सेल के लिए हम क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे। इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू टू ऑप्शन सुजेस्टेड बाई फाइनेंस मैनेजर इज आई फॉलो, टू गो क्रेडिट पॉलिसी है 1:2, इंक्रीज इन सेल होगा उससे 8% और 10%, कलेक्शन पीरियड होगा एडिशनल सेल्स का जो आप सिर्फ क्रेडिट पे करेंगे 1.5 मंथ्स एंड 2 मंथ्स, बैगेस होंगे ऑन एडिशनल सेल ओनली 2% एंड 2.5%, क्योंकि सारा डाटा लिया ना हमें इंक्रीमेंटल लिया है ओनली फॉर क्रेडिट सेल, प्रेजेंट डाटा आपका एजी के लिए है। विच ऑफ द टू पॉलिसीज शुड द कंपनीज मैनेजमेंट प्रेफर इन केस द कंपनी वांट्स टू मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एक मिनट को प्रॉफिट हमें प्रेजेंट मिल रहा है सेल्स के ऊपर वो आपका सेम रहेगा, एज्यूमिंग कंपनीज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए 12% एंड इग्नोर टैक्स है, उस केस में हम इंक्रीमेंटल इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आपकी एडिशनल क्रेडिट सेल कितनी होगी और उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी वैल्यूएशन करके। तो लेट अस शो अवर इंक्रीमेंटल इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि जो प्रेजेंट की पोजीशन है कैश बेसिस पे उसका प्रॉफिट सेम ही रहेगा, तो इसमें गो क्रेडिट पॉलिसीज हैं आपकी, सो वी हैव क्रेडिट पॉलिसीज 1 एंड 2। अब ये कि आपको मेंशन किया है प्रेजेंट सेल्स है हमारी 75 लाख, उसकी कॉस्ट है 54 लाख, और अब आपकी जो इंक्रीज हो रही है सेल्स में 8% और 10% हो रही है, तो लेट अस राइट विथ योर इंक्रीज इन सेल ट्रैकिंग आपकी जो सेल है जिसे 75 लाख उसका कर दीजिए आप 8% और 10%। तो फर्स्ट पॉलिसी में लेंगे हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है 8% ऑन 75 लाख, एक 6 लाख। सेकंड केस में 10% देखिए 7 लाख 50 हो गए, उसकी देखो कितनी कॉस्ट ऑफ सेल पड़ेगी आपको, कॉस्ट ऑफ सेल हमारी प्रेजेंटली है 54 लाख, इट मीन 75 की जो सेल है उसकी कॉस्ट है 54, वट विल बी कॉस्ट ऑन 6 लाख एंड 750। तो आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कितने परसेंट हमारी कॉस्ट है 54 अपॉन 75, दिस इज 72% ऑफ सेल, इट मीन्स प्रॉफिट रह गया हमारा 100 माइनस 72 28%, और क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी लेवल सेम है इतनी कॉस्ट ऑफ सेल भी सेम है, तो आप कर लीजिए 72% ऑफ 6 लाख 4,32,000 एंड 750 × 72% 5,40,000, सो बैलेंस इज अवर एडिशनल प्रॉफिट ऑन क्रेडिट सेल, ये आपको मिलेगा एडिशनल प्रॉफिट, जैसे ये 600 माइनस 432 168,000 एंड 750 माइनस 540 210,000, इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपको मेंशन किया है अब आपके एक को आपका कलेक्शन पीरियड आ गया है तो उससे आएगी इन्वेस्टमेंट इन गैक्स उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक हमारे पास है बैक गैक्स, लेस बैक गैक्स आपको दिए हैं, ये भी सिर्फ क्रेडिट सेल पर ही होंगे जो एडिशनल है जिसे 2% एंड 2.5%। तो इस केस में है 2% इट 12,000 और सेकेंड पॉलिसी में है आपके 2.5% 18,750। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स तो
इसका फार्मूला बन जाएगा वकील की कॉस्ट ऑफ सेल इनकू एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये आपको दिया है मंथ्स में डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। कॉस्ट ऑफ सेल है देखो फर्स्ट केस में 4,32,000। तो इस केस में पॉलिसी वन में हमारा कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ्स, तो जिसे 4,32,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12 जिसे कमिंग 54,000। अब उसके ऊपर आपको पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, तो दिस विल बी एट द रेट ऑफ 12%। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 54,000 आपके डेटर्स में इन्वेस्टमेंट है इनको 12% जिसकी कमिंग 6,480। तो सेकेंड पॉलिस में देखिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है जिसकी 5,40,000। अब इसमें डेटर्स आपके आ जाएंगे, अब इनका जो कलेक्शन पीरियड है जिसे 2 मंथ्स इंटू 2/12, तो अगर एक डेटर्स आ रहे 5,40/6,90,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही क्या करें तो 12% जिसे 10,000 एक ही डिफरेंस आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट। एंड जो पॉलिसी बीच है हायर नेट बेनिफिट विल बी प्रेफर्ड। तो फर्स्ट पॉलिसी में देखो बेनिफिट है आपका 168,000 माइनस 12,000 माइनस 6,480 149,520। सेकेंड पॉलिसी में है 210,000 माइनस 18,750 माइनस 10,800 जिसे 180,450। तो जिस पॉलिसी है ये हायर बेनिफिट, ये आपको मिल रहा है एडिशनल बेनिफिट एज पर बिल्कुल प्रेजेंस है, तो दिस विल बी सिलेक्टेड, तो दिस इज योर बेस्ट पॉलिसी। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट फॉर योर 2021। थैंक यू।